फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं घूमने के लिए बेटी और फैमिली के साथ, एक्सपो देखने के लिए आए हैं। तो मेरे वीडियो देखते रहिएगा, जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और ये हम अभी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और ये हम निकल गए हैं, तो देखते रहिएगा मेरे वीडियो, एंड तक देखते रहिएगा मेरा वीडियो। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम एक्सपो के अंदर आ गए हैं। तो अभी हस्बैंड टिकट लेने के लिए गए हैं, तो टिकट लेने के बाद हम अंदर जाएंगे एक्सपो के। রন্ধন প্রতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মানপত্র নগদ 9000 টাকা আর এটা অতিথি লাভ করেছে গুঞ্জাইশ বেগমে। किचन की जो कंपटीशन होती है वो चल रही है, वो दिखा नहीं पाऊंगी आप लोगों को। पर अभी हम जा रहे हैं फ्लावर्स का जो यहाँ फार्म है, यहाँ हम आए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। तो यहाँ हस्बैंड भी फोटो उठा रही है बेटी के साथ। आज संडे है और संडे के दिन तो जानते हैं सब लोग घर पे रहते हैं और छुट्टी होती है हस्बैंड लोगों की। तो आज संडे है और आज एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं मतलब किस तरह से मोबाइल लूँ और वीडियो करूँ, बस वही इंतज़ार में हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा दिन शेयर करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कहाँ आई हूँ घूमने के लिए, जो कि मैं सब दिखाती हूँ अपना जो भी है। तो इसीलिए आज घूमने आई हूँ अपने फैमिली के साथ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये फ्लावर्स कितनी सुंदर लग रही है, तो इसीलिए वीडियो मैंने कुछ भी करके मतलब बनाए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखानी है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। और यहाँ फर्नीचर वगैरह है, यहाँ जो दुकानें हैं बहुत ही कीमती होती है यहाँ की चीज़ें, और लेकिन बहुत सुंदर होती है यहाँ की चीज़ें, मैंने खुद देखी है और अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो वीडियो मेरे साथ देखते रहिएगा। अभी बेटी झूलना झूल रही है, मैंने इसे यहाँ दिखा दिया है। तो अभी बेटी जो है मेरी वो बहुत इंजॉय कर रही है। फ्रेंड्स मेरा जो ब्लॉग है वो मैं कुछ हिंदी में कुछ असामीस में देती हूँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड्स है वो हिंदी, कुछ लोग तो मतलब बाहर से भी है तो उन लोगों को भी समझ में आएगा हिंदी, तो इसलिए मैं हिंदी में भी देती हूँ और असामीस में भी देती हूँ। तो कोई मतलब गलत मत समझिएगा। एक्सपो में दो पार्ट है, एक पार्ट में मार्केट का है, ये फर्नीचर है और ये कितनी सुंदर लग रही है, तो ये भी हम खरीद सकते हैं यहाँ में, बहुत सारा है। और यहाँ खाने का सामान भी है, बहुत भीड़ है, तो मैंने कुछ भी करके ये मतलब वीडियो करके रखी है। और ये जो इयररिंग्स वगैरह का दुकान है, मैंने यहाँ से हेयर बैंड ली थी, वहाँ से ली थी तो बेटी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया था। भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम जो लाइटिंग का जो एक पार्ट है वहाँ हम जा रहे हैं, तो अभी मतलब भीड़ से कुछ भी करके निकल के वहाँ जाना है, तो दिखाऊंगी मैं वहाँ भी थोड़ा सा। तो एंड तक देखिएगा ज़रूर मेरा वीडियो, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा।
और यहाँ तक मार्केट एरिया का ख़त्म होता है और यहाँ से शुरुआत होती है लाइटिंग एरिया की। तो चलिए हम अब यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरा वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और अब हम घर जा रहे हैं और बाहर निकलते ही बेटी को मतलब कुछ लेना है यहाँ से, तो बलून्स वगैरह, तो यहाँ से कुछ लेती हूँ बेटी के लिए। ये है एक्सपो के मेन गेट और हम बाहर निकल चुके हैं घर जाने के लिए।